नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं सेगमेंट खेती किसानी और हमारा पशुधन के जरिए। इसके अलावा मिलवाते हैं एक कामयाब किसान से। आज इस कार्यक्रम में जहाँ हम बात करेंगे मशरूम के प्रसंस्करण की, तो वही बात होगी मुर्गी पालन में महिलाओं के योगदान के बारे में और मिलवाएंगे कामयाब किसान हिरेन शर्मा से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें आज हम बात करेंगे मशरूम के प्रसंस्करण के बारे में। जी हां, वैसे तो ताजे ताजे मशरूम की बात ही कुछ और है, लेकिन इसमें 90% पानी होता है, इसलिए ये जल्द ही खराब हो जाता है। ऐसे में किसान अगर इसका प्रसंस्करण करे, मूल्यवर्धन करे, तो ऐसे में कई तरह के वो उत्पाद बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए आज विस्तार से जानते हैं मशरूम के प्रसंस्करण के बारे में। मशरूम अब हमारी खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन पिछले 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध होता रहे। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं, फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति को बाधित नहीं करता है और हमारे भोज्य पदार्थ हम तक आसानी से पहुंचते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे मशरूम प्रसंस्करण के बारे में। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85 से 90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है। मशरूम का फलन छिद्र युक्त संरचना होती है, जिसके कारण इसमें श्वसन तेजी से होता है और आसानी से कीटाणु इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इनके जल्द खराब होने की आशंकाएं बढ़ना लाजमी है। कभी कभी मशरूम उत्पादकों को इस वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है और मशरूम को ज्यादा दूरी वाले इलाकों में पहुँचाना भी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में कुछ उपाय है जो मशरूम की आयु को बढ़ा सकते हैं, जैसे मशरूम की दुराई करते समय फलन को हल्के हाथ से घुमाकर निकालें, मशरूम को काटते समय मिट्टी लगी जड़ को चाकू से काटें, कटे हुए मशरूम को 0.025% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल में भिगोएं। इस तरह भिगोए मशरूम को पंखे की हवा में हल्का सुखाएं। पैकिंग करते समय पैकेट में छेद करें, इन छेदों से पैकेट के अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। बाजार में भेजने वाले पैकेट में 5% छिद्र करें। भंडारित करने वाले पैकेट में 0.5% छिद्र करना चाहिए। परिवहन के दौरान ऐसे वाहन का चुनाव करें जिसमें तापमान नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा मशरूम को खराब होने से बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय है मशरूम का प्रसंस्करण करना। इस विधि में मशरूम को सुखाकर लंबे समय तक भंडारित कर उपयोग किया जा सकता है। मशरूम को प्रसंस्करित कर बनाए जाने वाले उत्पाद मशरूम पाउडर, मशरूम से बने कुकीज, मशरूम पापड़, मशरूम अचार, मशरूम की बड़ियां, मशरूम के चिप्स, मशरूम का पाउडर, बटन या ढींगरी। मशरूम को धोकर व टुकड़े कर कैबिनेट ड्रायर में सुखाने के बाद बारीक पाउडर बना लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल मशरूम सूप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस पाउडर में अन्य खाद्य चीजें मिलाकर कुकीज बना सकते हैं। मशरूम से तैयार ये उत्पाद स्वाद में जितने अच्छे होते हैं, उतने ही सेहत के लिए लाभकारी भी। देश के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद किसान या मशरूम उत्पादक भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही आय में इजाफा भी कर सकते हैं। मशरूम से देखिए, वैसे तो बहुत ही तरह के प्रोडक्ट हमारे बनाए जा सकते हैं, जिसमें से आप रेडी टू इंस्टेंट भी हैं। आप लाइफ, इनकी जो प्रोडक्ट की लाइफ है, मशरूम को हम ड्राई करके प्रोडक्ट में डालते हैं तो इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे मशरूम के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मशरूम
बिस्किट्स हैं, मशरूम के नमकीन हैं, मशरूम के नगेट्स हैं, मशरूम पास्ता है, मशरूम चॉकलेट्स हैं, मशरूम के जीरा कुकीज़ हैं, मशरूम के फ्रूट कुकीज़ हैं, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अभी फ़िलहाल जो रनिंग हैं। मशरूम के देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब एक महीने से लेके 100 साल तक की उम्र के सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए। जैसे मेनली जो लेडीज़ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती, बच्चों के लिए कर देंगी, हस्बैंड के लिए कर लेंगी, अपने लिए टाइम नहीं होता। उसी जगह पे अगर वो मशरूम की या मशरूम से बने प्रोडक्ट 2 से 3 महीने इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो उनको मिलना चाहिए, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हर चीज़ मिल जाती है। तो मशरूम को अगर आप कहें तो सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मशरूम में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ लिमिटेड मात्रा में है जो आपको मिलने चाहिए। अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर सारे प्रोडक्ट वैसे ही जाएंगे नेचुरल तरीके से, तो आपका शरीर वैसे ही ग्रो करेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। मेन प्रोडक्ट मेन जो है हमारा, हमारे अंदर एनर्जी और है के लेवल को बढ़ाना है, जो मशरूम बखूबी निभाता है। तो देखा आपने, मशरूम का प्रसंस्करण कर आप कितना लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चलो गांव चले, जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मुर्गी पालन के क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपनी आजीविका के लिए इसको चुनकर वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। तो आइए जानते हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है। खेती और पशुपालन में महिलाओं की भूमिका हमेशा से ही रही है। महिलाएं घर के कामों के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी अच्छा खासा दखल रखती है। लंबे समय से ही महिलाएं पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों जैसे चारा संग्रह करना, पशुओं को समय पर आहार देना, पशु के स्वास्थ्य की देखभाल करना, दूध दोहना, नवजात पशुओं की देखभाल करना और प्रसंस्करण में प्रमुखता से सहयोग करती आई है। इसके बाद भी इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता से नहीं माना जाता है। आज भी पशुपालन में पुरुषों का स्थान अहम माना जाता है, लेकिन सरकार की पहल के बाद महिलाएं अब पशुपालन में खुद को और निखार रही है। वैसे तो पशुपालन की हर विधा में महिलाएं पारंगत है, लेकिन बात करें मुर्गी पालन की तो ये बेहद आसानी से तालमेल बिठाने वाला व्यवसाय है। मुर्गी उत्पादन के लिए शुरुआत करने के लिए लो इनपुट टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गरीब महिलाएं अगर करना चाहती हैं तो उसमें 50 बर्ड्स तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मुर्गी उत्पादन में मेन जो किया जाता है, या तो आप अंडा उत्पादन के लिए या मीट प्रोडक्शन के लिए। मीट प्रोडक्शन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 35 डेज में, 5 हफ्तों में आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। और एक बर्ड जो है ब्रॉयलर कहते हैं उसको, ब्रॉयलर का 1.5 किलो वजन तक गेन कर लेता है, तो उसको आप मार्केट में मार्केट प्राइस पर बेचकर और अपना रिटर्न ले सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं घर के काम करते करते भी मुर्गी पालन करके अतिरिक्त आय ले रही है और परिवार के लिए पोषण युक्त आहार का भी बेहतर इंतजाम कर लेती है।
उनके इस कौशल को निखारने के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें छोटी छोटी जानकारी लेकर महिला वर्ग आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर मुर्गी पालन को ज्यादा सफल बना रही है और कृषि विज्ञान केंद्र इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। धीरे धीरे हमें कई योजनाओं की जानकारी मिली, हमसे फिर 10 महिलाओं से अपने अपने समस्या निकल के आई, बात हम 10 महिलाओं से फिर बात करने का मौका मिला, घर से निकलने का मौका मिला। नहीं तो पहले हम घर से नहीं निकलते थे, बस घर का काम, खेत जाना, जंगल जाना, लकड़ी लाना और बच्चों को जो भी खिला पिला बना कर स्कूल पहुँचाना, इतना हमारा काम था। जब समूह बनी तो हम लोगों को 10 महिलाओं के बीच में अपनी बात रखने को आई, 10 महिलाओं से हम हाव भाव हमारा मिला, बातचीत किए, 10-10 रुपया हम जमा किए, जमा करने के बाद हमारा पैसा धीरे धीरे स्तर बढ़ी हम लोगों का। 50 बच्चे हमें आत्म कार्यक्रम से ला के दिए, दाने दिए खिलाने पिलाने के लिए, अनाज और वो बर्तन भी दिए पानी पिलाने के लिए और दाना खिलाने के लिए। समय में उन्हें टीकाकरण हुई और इसके साथ साथ देख रेख भी हुई, हम लोग पालन पोषण अच्छा से किए। करने के बाद फिर हम लोग बेचे तो हमें खुशी हुई कि हमारी जो योजनाएं थी आत्म कार्यक्रम से, तो हमें एक योजना दिलाई, हम कोई दीदी 5,000 6,000 8,000 10,000 तक के हम लोग बेचे, तो हमें खुशी हुई कि हमारे जो आर्थिक स्थिति इसमें आजीविका हमारी बढ़ी। तो उनके बच्चे बच्चे बेचते हैं तो उनसे हमें फायदा होती है, पैसा आ जाती है, उससे हम जो भी खर्चा करें, अनाज या कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई जो भी, उन्हीं से हमारे पैसे आती है। इस तरह से देखा जाए तो महिलाएं अपने हुनर को नया रूप देकर ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकती है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकती है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इस माह से सर्दी की दस्तक शुरू हो जाती है, ऐसे में पशु को ठंड से बचाने के उपाय करें। सर्दी के मौसम में गाय व भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में पशु के लिए संतुलित आहार व आवास का उचित प्रबंध करें। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया हो तो करवा लें। बीमारी फैलने पर पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन से घाव को धोते रहना चाहिए व पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस समय पशु को एंथ्रेक्स का टीकाकरण भी करवा लें। बकरियों व भेड़ों को PPR का टीका लगवा लें। ठंड से बचने के लिए पशुओं को रोज 25 से 50 ग्राम गुड़ खिलाएं। दुधारू पशुओं को 50 से 100 मिलीलीटर तरल कैल्शियम फास्फोरस पिलाएं। पशु की डीवर्मिंग पर ध्यान दें, यदि समय ज्यादा निकल गया है तो डीवर्मिंग करा लें। पशुओं को एसिडोसिस यानी अफरा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा और दाना दें। इस माह में भेड़ पालक ऊन उतरवाने का काम कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उनके आवास, आहार व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं एक कामयाब किसान से और लेकर चलते हैं पूर्वोत्तर। जी हां, यहां पर रहने वाले हिरेन शर्मा न सिर्फ खेती कर रहे हैं बल्कि पशुपालन भी करते हैं और इसके जरिए उन्हें काफी सफलता मिली है। दूसरे किसानों के लिए अब ये प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं हिरेन शर्मा से। असम एक खूबसूरत राज्य है। प्रकृति की गोद में बसे इस राज्य की राजधानी है गुवाहाटी।
गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर है जिला मोरी गांव। इसी गांव में रहते हैं किसान हिरेन शर्मा। खेती और पशुपालन में अपना परचम लहरा रहे हिरेन का पहले इससे कोई नाता ना था, लेकिन इस समय हिरेन खुद तो संबल हो ही रहे हैं, साथ ही गांव के बाकी किसानों को भी कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। हिरेन बताते हैं कि स्नातक की पढ़ाई करने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो नौकरी की तलाश में जुट गए। उनकी तलाश खत्म हुई और हिरेन को एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। नौकरी से गुजर बसर चलने लगी, लेकिन किन्हीं कारणों से हिरेन को नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन परिवार की गाड़ी तो चलानी थी, इसके लिए हिरेन खुद का व्यवसाय करने का विचार बनाने लगे और इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए एक फार्म खोला। इसके पहले हिरेन ने प्रशिक्षण लिया। वो बताते हैं कि प्रशिक्षण में हर छोटी लेकिन जरूरी बातों को सिखाया जाता है और ये छोटी छोटी बातें ही सफलता के द्वार खोलती है। हिरेन ने मुर्गी पालन, शुकर पालन भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद शुकर पालन का काम छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिरेन ने गौ पालन शुरू किया। इस समय हिरेन पशुपालन के साथ साथ मौसम के हिसाब से अलग अलग खेती भी करते हैं। इतना ही नहीं, हिरेन खुद के तालाब में मछली पालन भी कर रहे हैं। पहले खासकर जब मुर्गी और सुअर पालन करने का फैसला किया तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। समाज के कुछ नियम थे और मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। बहुत असुविधा का सामना करने के बावजूद मैंने मुर्गी पालन और सुअर पालन किया। कुछ दिनों के बाद मैंने सुअर पालन का काम छोड़ दिया और सिर्फ मुर्गी पालन ही करने लगा। पर हाल ही में मेरी बेटी की शादी के समय ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैंने मुर्गी पालन का काम भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ गौ पालन का काम ही करता हूँ, साथ ही खेती करता हूँ और मछली पालन का काम भी करता हूँ। इन सब से मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है। अपनी मेहनत से हिरेन ने हर संभव प्रयास कर सफलता पाई। आज उनकी सफलता की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। लेकिन इस दौरान हिरेन ने मुर्गी पालन का काम भी बंद कर दिया और पूरी तरह से गौ पालन पर फोकस करने लगे। उनके इस काम में उनके परिवार का हर सदस्य सहायता करता है। एक समय था जब उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी, लेकिन नाबार्ड से सहायता मिलने के बाद पूंजी की व्यवस्था भी हो गई और आज उनका ये व्यवसाय उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। हिरेन बताते हैं कि शुरुआत में गौ पालन में उन्हें पशु हानि भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह जानकारी का अभाव था। इसके लिए हिरेन ने पशुपालन विभाग से सहायता ली और जानकारी मिलने के बाद हिरेन अब साफ सफाई और पशु के आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। इन सावधानियों का ही नतीजा है जो उन्हें प्रतिदिन दूध से 6,000 रुपए का मुनाफा होता है। हिरेन ने कुछ पशुपालकों के साथ मिलकर एक संगठन भी बनाया। इसमें दूध से बने उत्पाद और दूध का बेहतर दाम मिलता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे पशुपालकों को मिलता है, जिसके वो हकदार है। कम जानकारी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ने लगी तब मुझे अलग अलग गायों के बारे में मालूम पड़ने लगा। उनमें होने वाली अलग अलग बीमारी के बारे में मुझे मालूम पड़ा, जिसके लिए मैंने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण लिया। लेकिन मुख्य बात थी साफ सफाई, इसलिए हम हर दिन सुबह 4 बजे दूध निकालते थे, फिर दाना डाल के हर एक गाय को हम नहला देते थे। इस सिस्टम को मैंने अपने फार्म में नियमित रूप से लागू कर दिया, जिससे मेरा नुकसान कम होने लगा और आमदनी बढ़ने लगी। हम जितना हो सके अपने फार्म में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो जगह की साफ सफाई हो या फिर पशुओं की। पहले हम मिडलमैन को देते थे, अभी हम लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इससे हमें सीधा बिक्री करने की या खरीदने की सुविधा मिली है। पहले नुकसान होता था, दूध प्रति लीटर 30 रुपए बेचते थे, लेकिन जब से DRDA के तरफ से DC के जरिए हमें ये आउटलेट मिला है, हम प्रति लीटर 50 रुपए करके बेच रहे हैं, यानी 20 रुपया प्रति लीटर ज्यादा मिल रहा है। डायरेक्ट सेल करने से हमारा फायदा हुआ है। इससे छोटे पशुपालकों को फायदा तो हुआ ही है, उन्हें प्रोत्साहन भी मिला है। हिरेन के इन कार्यों की सराहना गांव के किसान तो करते ही है, साथ ही समय समय पर मार्गदर्शन भी लेते हैं। उनके इन सफल प्रयासों के लिए हिरेन शर्मा को CARI की ओर से राज्य का श्रेष्ठ किसान और श्रेष्ठ गौ पालक होने का सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा हिरेन को कई बार सम्मानित किया जा चुका है।
कार्यक्रम गांव किसान में जो जानकारियां आज आपको दी गई, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे में अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर कार्यक्रम गांव किसान देख सकते हैं। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और दिलचस्प जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।